अब भाजपा के नेताओं को देश की जनता उन्हें कीड़े मकोड़े नजर आने लगे, कोरोना वायरस के मरीज नजर आने लगे। अरे भैया, इन्हीं कीड़े मकोड़ों के दम पे, इन्हीं कीड़े मकोड़ों के दम पे आप सत्ता का सुख भोग रहे हैं। एयर कंडीशन गाड़ियों में जो चढ़ रहे हैं, जो ऐस मौज कर रहे हैं, डेली अय्यासी करते हैं, वो इन्हीं कीड़े मकोड़ों के दम के ऊपर। और जो माननीय, जो एक कीर्तिमान डाक टिकट जारी किया है सरकार ने ज्योति के नाम से, जो दरभंगा जिले की लड़की अपने पापा को लाने के लिए गुरुग्राम साइकिल से 1200 किलोमीटर चल के दरभंगा केवटी ब्लॉक में वो आई, तो उसके नाम से डाक टिकट जारी किया गया है। निस्संदेह ये लड़की तो भारत रत्न के लायक है। इस लड़की को भारत रत्न मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। नीतीश कुमार की सरकार को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। इनको भारत रत्न इस चीज का मिलना चाहिए कि मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे गुजरात से एक महिला आती है, मृत्यु होती है और उसके छोटे छोटे दो बच्चे आगे पीछे खेल रहे हैं, वो अपनी मां को उठाने का काम कर रहे हैं। इस चीज का गोल्ड मेडल भारत रत्न माननीय प्रधानमंत्री ये नरेंद्र मोदी जी को मिलना चाहिए। भाई इनके शासन काल में इतना बड़ा काम किया है मोदी जी ने, इतना बड़ा काम कि पूरी दुनिया में आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है, तो इसीलिए प्रधानमंत्री को भारत रत्न मिलना चाहिए। बहुत गौरवशाली काम किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। भाई ट्रेन क्या कहते हैं ये गोरखपुर के लिए चलती है महाराष्ट्र से, और वो ट्रेन पहुंच जाती है आसाम झारखंड। अब कितनी अच्छी सत्ता चला रहे हैं, इसका कल्पना तो आप लोग कर रही है, सत्ता चला रहे हैं या गरीब मजदूर को भूख प्यास से मारने की एक रणनीति तैयार कर रही है। फैसला आपको करना है, आम आदमी को करना है, क्योंकि इसी देश की जनता, जनता नहीं, इस देश के कीड़े मकोड़ों ने इनको मत दिया है। कीड़े मकोड़े ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भैया कीड़े मकोड़ों ने हमको मत दिया है, तो इन कीड़े मकोड़ों की औकात क्या? ऐसे ही रेंग रेंग के मरेंगे। पैदल चल चल के कीड़ा भी पैदल चलता है ना, वो एयर कंडीशन में नहीं घूमता है। मकोड़े भी पैदल ही चलते हैं, वो एसी में नहीं घूमते हैं। तो ये देश की जनता कीड़े मकोड़े रेंगने वाले जानवर के रूप में आप हो। ये आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है आपसे। अरे यही अच्छे दिन का सपना दिखाया था ना, कीड़े मकोड़े के नाम से संबोधित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग। गोल्ड मेडल भारत रत्न श्रीमान नरेंद्र मोदी को मिलना चाहिए। अरे भाई रेलवे में भूख प्यास से आदमी मर रहा है, तो इसका भी एक गोल्ड मेडल होना चाहिए, इसका भी एक डाक टिकट जारी होना चाहिए, होना चाहिए। रेलगाड़ी पे जो कहते थे कि मोदी जी कि हवाई जब जाइए रेलगाड़ी का मेरा सपना है बुलेट ट्रेन पे चलने का, हमारे देश की जनता बुलेट ट्रेन में। बुलेट ट्रेन किसके लिए है, अमीर आदमी के लिए या गरीब आदमी के लिए? प्रधानमंत्री जी इस बात का आप जवाब देंगे?
गरीब आदमी के लिए तो आप एक जनरल बॉगी में भी उनकी सुविधा आज तक नहीं कर पाए हैं बेहतर, लेकिन अमीरों का कितना ख्याल रखते हैं मोदी जी कि उनके लिए बुलेट ट्रेन चलाने की बात करते हैं, अमीरों के लिए, गरीबों के लिए नहीं। गरीबों के लिए तो बात कहा था कि जो हवाई चप्पल पहन के गरीब मजदूर चलते हैं, मैं उनको एरोप्लेन में देखना चाहता हूं। तो मोदी जी का एरोप्लेन जो है वो रेलवे का ट्रैक है जहां पे 16-17 आदमी रेलगाड़ी में पैदल जो चल के आ रहे थे, आपने देखा होगा, वो मर गए, महाराष्ट्र से चल के आ रहे थे, तो वो हवाई जहाज है उनका, मतलब दो टांग जो है वो जनता का हवाई जहाज है, तो वो पैदल। लेकिन सवाल ये उठता है मोदी जी कि ये जो बेचारे के दो टांग है कीड़े मकोड़ों के, आपने तो इन कीड़े मकोड़ों को पैदल चलने पे भी रोक लगा दिया है मोदी जी। उसको पैदल चलने पे आपने रोक लगा दिया है, बॉर्डर को सील कर दिया कि भैया ये कीड़े मकोड़े जो हैं, बॉर्डर के ऊपर आप देख रहे हैं, बॉर्डर के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने रोक लगा दिया है, ये कीड़े मकोड़े इस बॉर्डर से उस बॉर्डर में ना घुस जाए, क्योंकि हो सकता है कोरोना ये कीड़े मकोड़े दूसरे को ना फैला दे। लेकिन मोदी जी, ये कीड़े मकोड़ों ने कोरोना नहीं फैलाया है, इन कीड़े मकोड़ों के अंदर कोरोना आपने फैलाया है। अपने करोड़पतियों मित्रों को बाहर से हवाई जहाज में बिठा के आपने इस देश में, इस देश की नागरिक नहीं कहूंगा, इस देश के कीड़े मकोड़ों के बीच में कोरोना वायरस लाके आपने फैलाया है, आपकी पार्टी ने फैलाया है। तो ये कीड़े मकोड़ों को आपने जैसे कुएं का, वो कुएं में मेंढक रहता है ना, उस तरीके से इस देश में कीड़े मकोड़ों को आपने कैद कर दिया है कि भैया कीड़े मकोड़े इसके अंदर से बाहर मत निकलना। क्या ये कीड़े मकोड़े वाले लफ्ज अच्छे हैं ना मोदी जी? बहुत अच्छा, आपका नेता सब सोच सोच के बोलता रहता है। अभी आप ही के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि 75% मजदूर ही कोरोना वायरस को फैला रहे हैं। वास्तव में क्या बात है, कितनी गजब की सोच है हमारे मुख्यमंत्रियों की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। कौन सी डिग्री कहां से, किस कॉलेज से पढ़ लिख के निकलते हो भाई? जैसे लगता है कि अब शब्द भाषा का यदि किसी को ट्रेनिंग लेना हो तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी आप ज्वाइन कर लीजिए। जिसको अब शब्द गाली गलौज से संबोधित करना हो, देश के अंदर कैसे नफरत फैलाना हो, तो आरएसएस ज्वाइन करो, वहां से पूरी ट्रेनिंग मिलेगी कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, युवा वाहिनी, हिंदू वाहिनी और पता नहीं कौन कौन से, ये सारे आरएसएस के एक शाखाएं हैं। तो इस देश को बर्बाद करने के लिए, और वैसे भी मोहन भागवत ने अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि पढ़ने लिखने से आदमी में अहंकार आ जाता है। मतलब सुनो कीड़े मकोड़ों, देश की जनता, भारतीय जनता पार्टी के नेता आपको कीड़े मकोड़े कह के संबोधित करते हैं, इसीलिए याद दिला रहा हूं कि कीड़े मकोड़ों तुमने ही सरकार चुनी है, तुम ही ने बनाया है प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के 302 सांसद। कीड़े मकोड़े शब्द को कभी मत भूलना, और यदि भूल गए तो कीड़े मकोड़े कह के संबोधित किया है। आने वाला समय जैसे गुलाम बना के रखता था, वैसे तो गुलाम बना ही चुका है आपको,
लेकिन अभी भी संभलने का मौका है। यदि अब भी नहीं संभले तो कभी जीवन में नहीं संभलोगे। शब्द को याद कर लो, कीड़े मकोड़े। मजदूर को कीड़ा मकोड़ा समझता है भारतीय जनता पार्टी का नेता, और देश का प्रधानमंत्री उसका गुरु, गुरु इन नेताओं का गुरु प्रधानमंत्री। क्योंकि देश की जनता को मूर्ख बनाने का यदि किसी ने काम किया है, देश की जनता को बेवकूफ बनाने का किसी ने काम किया है, देश की जनता से वादा खिलाफी का किसी ने काम किया है, तो वो इस देश का प्रधान प्रधानमंत्री ने किया है, श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो इन सब चीजों को यदि अब आप भूल गए, और बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग, झारखंड के लोग, उड़ीसा के लोग, जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री को बनाने में सहयोग किया है, यदि आप लोग भूल गए तो हमारे राज्य तो कहीं के हैं नहीं। और शायद आप लोग के बाल बच्चे भी, आप क्योंकि बात कर लेते हैं थोड़ी सी शिक्षा व्यवस्था की, जानते हो शिक्षा व्यवस्था बिहार का चरमराया हुआ क्यों है? क्योंकि प्राइवेट स्कूल की ठेकेदारी इन कॉर्पोरेट घरानों के हवाले है। जितने भी नेता हैं, परसेंटेज नेता की बात कर रहा हूं, उनके कॉलेज मिलेंगे, स्कूल मिलेगा। इसीलिए सरकारी स्कूल में इतनी गिरी हुई व्यवस्था की गई है। और खिचड़ी का जो जहां तक बात कर रहे हैं हम, कर लेते हैं खिचड़ी की। ये खिचड़ी क्यों गरीब के बच्चों को खिलाया जाता है जानते हैं? क्योंकि आपका बच्चा दो घंटे, कम से कम चार घंटे के स्कूल में दो घंटे वो उसी में उलझ के ले जाए, और एक घंटा ऐसे खेलने में, और कॉपी किताब गए, हाजिरी भरे, और उसके बाद घर। तो कभी नहीं ये सरकारें चाहती हैं कि गरीब का बच्चा पढ़ लिख के होशियार बने। अगर गरीब का बच्चा होशियार बन जाएगा तो वो आंख से आंख मिला के बात करेगा। और इन पैसे वालों को और कुछ जाति विशेष के लोगों को ये कतई गवारा नहीं है। इसीलिए मोहन भागवत ने कहा कि पढ़ने लिखने के बाद लोगों में अहंकार आ जाता है। तो मोहन भागवत का कहने का अर्थ आप समझ रहे हैं? गरीब के बच्चों नहीं, कीड़े मकोड़े, सॉरी, देश के कीड़े मकोड़ों, समझ लो। थोड़ी अब शब्द लग रहा है, लेकिन ये भाषा मैंने नहीं कहा है। अरे भैया, आपने जिसको पूरी बहुमत की सरकार बनाई है, ये भाषा आओ बोल रहे हैं आपके लिए। ये आम जनता के लिए ये कीड़े मकोड़े वाला शब्द को याद कर लो। फिर कह रहा हूं, भूल गए तो कीड़े मकोड़े की तरह रोड पे मर रहे हो ना, चल चल के भूख प्यास से लाइन में खड़ा करके गोलियों से भुनवाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी आने वाले समय में, और ये आरएसएस के लोग करेंगे आपके साथ। जानते हो एनआरसी का मैं क्यों विरोध कर रहा था? समझ लेना, आज समझ जाओ। आज आसाम के अंदर 19 लाख आदमियों की नागरिकता गई थी, जिसको ये पूरा ढोल पीट रहे थे। हिंदुस्तान के अंदर 15 लाख हिंदू की नागरिकता गई थी, 15 लाख। ये बांग्लादेशी हिंदू की बात कर रहे थे, पाकिस्तान के हिंदू की बात कर रहे थे, अफगानिस्तान के हिंदू की बात कर रहे थे। लेकिन आज जीता जागता आपके पास प्रमाण है कि आज हिंदू अपने राज्यों में सिर्फ गरीब के बच्चे, गरीब का परिवार आज भूख प्यास से तड़प रहा है। तो मतलब समझ लीजिए, जो मैं बार बार ही बोलता हूं कि गरीब मजदूरों को इस देश में गुलाम बनाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है आरएसएस के द्वारा। ये आपको हिंदू मुसलमान की बीमारी में उलझा के और आप लोग के बाल बच्चों को ये गुलाम बनाना चाहते हैं, जो पहले के युगों में होता था। किसको हिंदू कहते हैं ये? क्या कभी किसी दलित को मंदिर में जाने की इजाजत दी है इन लोगों ने? सोच लो आप, किसको हिंदू कहते हैं ये?
तो ये व्यवस्था के खिलाफ है भारतीय मित्र पार्टी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।